एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी टाइम हो रहा है 4:30 शाम के, और अभी आज की व्लॉगिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, क्योंकि मैंने कई व्लॉग्स बनाए जिसमें मैंने इवनिंग का नहीं दिखाया है। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं अपना व्लॉग बनाऊँगी इवनिंग टू नाइट रूटीन। तो आई होप आपको ये व्लॉग भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और अभी मैंने जैसा आपको दिखाया, मैं यहाँ पर बालकनी पर खड़ी हूँ, काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। तो अब सोचा जा रहा है चलिए चाय बनाया जाए, और आपको भी साथ में ले चलती हूँ किचन में, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो चलिए बनाते हैं चाय और पोहा, क्योंकि हम लोग को थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है। तो मैं बनाऊँगी चाय और पोहा, फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले मैं आने के बाद अपनी किचन की विंडो ओपन करती हूँ जिससे कि अच्छी सी हवा आ सके। और फिर उसके बाद जितने बर्तन दोपहर के होते हैं वो सूख चुके होते हैं, पानी मतलब ड्रेन हो जाता है। फिर उसके बाद मैं उनको सब जगह पे सेट करती हूँ, और सेट करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं पूरी स्लेब को अच्छे से साफ़ करती हूँ। क्यों? क्योंकि दोपहर के 2-3 घंटे हमारी किचन हमसे बिल्कुल छूटी रहती है, मतलब हम दो वहाँ पर नहीं जाते हैं, तो पता नहीं कौन सा कीड़ा या क्या कौन सा वहाँ पे क्या मतलब जानवर या कुछ भी आप बोल सकते हैं कि क्या कीड़ा मकोड़ा आ जाए। तो वो मैं पहले आने के बाद सबसे पहले स्लेब को पोंछती हूँ जिससे कि वो अच्छे से वाइप हो जाता है, साफ हो जाता है। उसके बाद ही मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। ऐसा मैं सुबह भी करती हूँ और शाम को भी करती हूँ। मैं कम से कम 5-6 बार अपनी किचन की स्लेब को साफ़ करती हूँ जिससे कि किचन की स्लेब बिल्कुल साफ़ रहे। मुझे गंदा किचन हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब मुझे किचन साफ़ सुथरी ही चाहिए, वरना मुझे बहुत मतलब गुस्सा आता है, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है अगर किचन कोई फैला करके काम करता है। आई डोंट नो ये आदत अच्छी है या ख़राब है, बट मैं ऐसी हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता कि किचन फैली हो या थोड़ा सा भी गंदा हो। मैं काम करते करते भी कई बार गैस के किनारे भी वाइप मतलब कपड़े से वाइप करती रहती हूँ जिससे कि साफ़ सुथरा बना रहे। और इससे हमारा क्या होता है ना, काम ज़्यादा फैलता भी नहीं है, और साथ के साथ पूरा किचन भी साफ़ रहती है। तो अब मैं यहाँ पे पोहे की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने मूंगफली को, जो सिंगदाना जिसे कुछ लोग बोलते हैं, उसे निकाल फ्राई करके निकाल लिया है, और मैंने सरसों दाना, करी पत्ता और थोड़ा सा जीरा डाल करके तड़का लगा दिया है। यहाँ मैंने पोहे को अच्छे से पानी से धुल लिया है। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी डाल दूँगी, और आज मैं थोड़ा सा पोहे में ट्विस्ट दे रही हूँ, रतलामी ट्विस्ट। तो मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी भी डाल दिया है, साथ ही साथ मैं चाय भी बना रही हूँ। सिर्फ अपने लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आप सभी जानते हैं दूध वाली चाय नहीं पीते हैं, वो ग्रीन टी पियेंगे, और मैं अपनी थोड़ी सी आधी कप चाय दूध वाली चाय पीऊँगी। तो यहाँ मेरा मसाला भी अच्छे से मतलब जो मैंने तड़का लगाया था वो हो गया है, और मैं इसमें शुगर मिक्स करके अच्छे से चला लूँगी एक बार। देखती हूँ आज मैं ये पहली बार शुगर डाल रही हूँ, किस ऐसा इसका टेस्ट कैसा बनता है, मैं आपको ज़रूर बताती हूँ लास्ट में। तो चलिए अभी बस मैंने इसको पोहा डाल दिया है, सिंपल सा बना रही हूँ, कोई भी मटर या आलू नहीं डाल रही हूँ, झटपट बन जाता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ऊपर से आप सेव डाल लीजिए, टमाटर पसंद है तो चॉप करके टमाटर डाल लीजिए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस सेव डाल करके, और हम लोग गर्मा गर्म पोहा और चाय इन्जॉय करेंगे। आप लोग भी आइए और हमारे साथ पोहे और चाय को बारिश के टाइम इन्जॉय करिए। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने पोहा और चाय खाया, बहुत अच्छा बना था। मैंने उसमें थोड़ा सा शुगर जो डाला था वो बहुत ही टेस्टी लग रहा था, हल्का हल्का सा स्वीट स्वीट सा पन आ रहा था। जैसे हम लोग मेरठ से मतलब अपने घर से मुंबई आते हैं तो रास्ते में रतलाम पड़ता है, वहाँ पे जो पोहा मिलता है ना उसमें बिना शुगर डालते हैं वो लोग, और रतलामी सेव डालते हैं। तो आज मैंने उसी तरह बनाने की कोशिश की थी, तो काफ़ी अच्छा बना था। लास्ट में मैंने नींबू डाला और सेव भुजिया डाल करके हम लोगों ने खाया, तो पीहू को भी काफ़ी अच्छा लगा, और हम तीनों ने मिलकर के नाश्ता कर लिया है। और बस अभी बारिश हो रही है, तो काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ पे, तो बस अभी मैं बैठी हूँ थोड़ी देर, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेते हैं। और फिर अभी तो बस बैठे हैं, बाहर भी नहीं जा सकते हैं, काफ़ी मतलब बारिश है। मैं सोच रही हूँ बाहर हुई देर भी अगर बंद होगी ना आधे घंटे के लिए, तो मैं नीचे जाऊँगी, क्योंकि मैं नीचे जाती हूँ तो पीहू को घुमाती हूँ, और फिर अगर दूध लेना होता है तो मैं दूध ले करके आती हूँ,
और थोड़ी बहुत सब्जी भाजी अगर कुछ लेना होता है, फल फ्रूट्स, तो वो लेकर के मैं ही आती हूँ। तो बस इसी बहाने पीहू को थोड़ा घुमाना भी हो जाता है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, अभी भी काफ़ी बारिश हो रही है और टाइम हो रहा है 5:30, बारिश रुकी नहीं है। तो बस अभी हम लोग बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि क्या करें। तो मैं और पीहू बैठे हुए थे, तो देखिए अभी पीहू अपने फेवरेट प्लेस पे बैठी है, जहाँ मेरा फेवरेट प्लेस है वही आगे टेबल पे पीहू आके बैठती है। ये देखिए आपके सामने पीहू बैठी हुई है। पीहू हाय। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं शाम के, और अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है। सॉरी सॉरी, ये मेरे हाथ से बर्तन लग गया। बारिश बंद नहीं हुई है, अभी में ही हो रही है, मगर अभी ऐसी बारिश में मैं पीहू को लेके तो नहीं जा सकती हूँ। तो बस अभी बैठे हैं हम लोग, तो अभी 6 बज रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ चलो थोड़ा डिनर की तैयारी कर लेते हैं, और अगर थोड़ी देर बाद 7 बजे तक बंद हो गई बारिश तो मैं नीचे चली जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी देर तक अंधेरा नहीं होता है, उजाला ही रहता है, मतलब थोड़ा डे लाइट रहती है यहाँ पे। 7:30 बजे अंधेरा होता है, 7:30 बजे के बाद। तो चलिए फिर मैं अभी जल्दी से डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, और आज मैं बनाऊँगी पनीर की सब्जी, पनीर 2 प्याज़ा, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट वे से पनीर बनाऊँगी, और रोटियाँ। बस इतना ही डिनर रहने वाला है, तो चलिए फिर जल्दी से डिनर की तैयारी कर लेते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, 6:15 बज रहे हैं और मैं किचन में आ गई हूँ। मैं जल्दी जल्दी अपने खाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले लहसुन छील रही हूँ, और वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई, मुझे लगा कि रिकॉर्ड हो रही है, मेरा हाथ कट रहा है। तो मैं यहाँ लहसुन छील करके लहसुन और प्याज पहले पीस लूँगी, और फिर उसके बाद मैं टमाटर पीसूंगी। इस तरह से करते करते पहले मैं लहसुन प्याज पीस करके भूनूंगी, फिर टमाटर पीसूंगी, फिर उसे भूनूंगी, और फिर जल्दी जल्दी अपनी सारी सब्जियां जो हैं वो काट लूंगी। और फिर और आज मैं बना रही हूँ पनीर 2 प्याज़ा। तो मैंने यहाँ पे एक शिमला मिर्च लिया है, और वो जो प्याज है हरी प्याज है, हरी प्याज जिसमें हरी वाली लगी होती है प्याज वो। और मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया, मैंने यहाँ पे तेज पत्ता डाला। ये देखिए लहसुन प्याज है, मैं इसको अच्छे से पहले फ्राई कर लूँगी, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसमें टमाटो प्यूरी डालूँगी, जो कि मैंने बाद में पीसी है। और आप लोग बताइए आप लोग कैसे करते हैं और आप लोग कैसे हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो बस मेरा यहाँ पे प्याज जो है वो भुन गया है, और मैं इसमें अब टमाटर की प्यूरी डाल दूँगी। मसाला जितना अच्छा भुनेंगे, अगेन मैं वही कहूँगी कि बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो बस मैं यहाँ पर मसाला फ्राई कर रही हूँ, मतलब अच्छे से उसको भून रही हूँ। अब मैं इसमें सूखे मसाले डाल दूँगी, जैसे लाल मिर्च, हल्दी, नहीं आज मैं हल्दी नहीं डालूंगी इसमें, नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और मैं थोड़ी सी आज इसमें शुगर भी डालूंगी, क्योंकि पीहू को ना थोड़ा सा स्वीटिश, मतलब थोड़ा मीठी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी मीठी सब्ज़ी पसंद है, तो मैं उनके ही टेस्ट के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ शुगर डाल दिया है, आप लोग भी ट्राई करिए, अगर आप शुगर नहीं डालते हैं तो ट्राई करिएगा, इससे मसाला भी जल्दी फ्राई हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बस मैंने यहाँ शुगर डाल के मसाले को फ्राई कर रही हूँ मैं। और ये देखिए कल जो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इसका मसालदान का डिब्बा धुला था ढक्कन, तो वो धुल करके मैं सूख गया था, फिर मैंने इसको लगा करके बंद करके रख दिया है। अब मैं इसमें 2 प्याज़े की तैयारी करूँगी। तो जो मैंने आपको ग्रीन वाली स्प्रिंग अनियन दिखाया था वो रखी हुई थी, अब मैं उसको अच्छे से धुल लूँगी और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। धुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बारिश का टाइम है, इसमें छोटे छोटे कीड़े भी लगे रह सकते हैं, तो मैंने बहुत अच्छे से धुला है। अब मैं इसको 4 टुकड़ों में, कोई जो छोटे हैं उनको 2 टुकड़ों में काट लूँगी, और जो शिमला मिर्च रखी है उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी, क्योंकि पनीर 2 प्याज़ा बना रहे हैं तो हम इसमें प्याज और शिमला मिर्च डालेंगे। और मैंने आपको पहले के व्लॉग में बताया था कि पनीर की सब्ज़ी जब बना रहे हों और आपको पनीर सॉफ्ट करना हो, या मतलब आपको ऐसा लगे कि पनीर डालने के बाद टूट जाता है, तो आपको क्या करना है, गर्म पानी में पनीर को डालना है और नमक डाल करके आपको 5 से 10 मिनट रख देना है, या फिर आप गर्म पानी में उबाल दीजिए पनीर को, पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, और जब आप पनीर इसमें डालेंगे तो वो टूटेगा भी नहीं, सॉफ्ट तो रहेगा बट वो टूटेगा नहीं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस ट्रिक को, और बताइएगा अगर आप
ट्रिक अप्लाई करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो बस मेरा देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, और अब मैं इस मसाले में प्याज और शिमला मिर्च जो मैंने काटी थी वो भी डाल दूँगी। उसके पहले मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच मलाई डाली है, आप चाहें तो और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, मैं यहाँ थोड़ी सी मलाई ही डाल रही हूँ। उसके बाद जब मलाई अच्छे से भुन जाएगी, आपको लगे कि अब इससे घी छूटने लगा है, तब मैं इसमें शिमला मिर्च और प्याज डालूंगी। तो बस ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो जो मेरा पनीर था वो उबल गया था और अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, मैंने पानी सारा ड्रेन कर दिया है और पनीर को मैंने सब्जी के मसाले में मिक्स कर दिया है। अब हम इसको अपने हल्के हल्के हाथों से इसको चलाते रहेंगे जिससे हमारा पनीर टूटे भी ना और सारा मसाला जो है वो पनीर में मिक्स हो जाए। अब आप अपने हिसाब से ग्रेवी डाल सकते हैं, आपको सूखा या गीला, मतलब ग्रेवी वाली जैसी भी सब्ज़ी आपको तरी वाली चाहिए उस हिसाब से आप सब्ज़ी में पानी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ ज़्यादा पानी नहीं डाला है क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को थोड़ा सा इसी टाइप की सब्जी पसंद है जो ज़्यादा रसे मतलब ग्रेवी वाली ना हो, तो मैंने उनके हिसाब से ही सब्जी आज बनाई है क्योंकि उनको पनीर दो प्याजा पसंद है, सब्जी में कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर हो तो मैंने उनके हिसाब से सब्जी बनाई है। तो चलिए अब मैंने सब्जी मेरी उबल गई है और मैं इसको अब ढक कर के रख दूँगी, और मैंने आटा भी सान दिया है जैसा कि आपने देखा है। तो मैं अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स अभी बारिश बंद हुई है और पीहू तैयार हो गई हैं, वो लिफ्ट की तरफ पहुँच गई है जाने के लिए, और मैंने यहाँ अम्ब्रेला ले लिया है कहीं फिर से बारिश ना आ जाए। तो मैं फ़ोन लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि पता नहीं बारिश होगी तो फ़ोन गीला हो सकता है, और मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है तो मैं चार्जिंग में लगा करके जा रही हूँ, फिर आ करके आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग बाहर से आ गए हैं और बारिश हल्की हल्की होने लगी थी रास्ते में ही, तो लेके गई थी मैं पीहू को, पहले सोच रही थी नहीं लेके जाऊंगी, तो मैं यहाँ दूध भी ले आई हूँ। और पीहू रास्ते में बोलने लगी कि उनको केक खाना है, तो मैंने केक लिया है, मतलब पेस्ट्री ली है। तो अभी हम लोग देखते हैं डिनर के बाद खाते हैं या फिर अभी खा लेते हैं साथ में, अभी दिखाऊँ देखती हूँ, वीडियो बनाऊँगी मैं ब्लॉग में, इसको भी कर दूँगी। ये देखिए पीहू बहुत अभी एक्साइटेड है खाने के लिए। और ये मैं अम्ब्रेला लेके गई थी क्योंकि छतरी के बिना मुंबई में सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बस मैं इसको इसकी जगह पे टांग देती हूँ, और आप देख रहे होंगे ये सब पीछे की जितना सामान फैला है, ये पीहू बार बार कुशन नीचे गिराती उठाती रहती हैं, तो इसको बार बार हमें सेट करना पड़ता है जगह पे। तो चलिए फिर अब मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, भगवान जी की आरती जला देती हूँ, फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई है और मैं बस अब आरती ले रही हूँ, और आप सबको भी आरती दे रही हूँ, बस इसी फ़ोन के थ्रू आप भी आरती ले लीजिए। तो बस फिर अब मैं पूजा करके फिर आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे अब पीहू अपनी पेस्ट्री खाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो रास्ते से ही कह रही थी घर पे चलेंगे डैडी को भी खिलाएंगे, तो अब वो देखिए अपने हाथ से अपने डैडी को पेस्ट्री खिला रही है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी सारे और काम जो थे ऊपरी वो ख़त्म कर लिए हैं, और अब मैं किचन में आई हूँ। ये देखिए सब्जी बन चुकी है और अब मैं जल्दी से रोटियाँ बनाऊँगी, फिर हम लोग जल्दी जल्दी से अपना डिनर कर लेंगे, फिर मैं आपको थोड़ी देर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। अभी अभी खाना खा के फ्री हुई हूँ, और आपने जैसे कि देखा कि मेरा उसमें पनीर दो प्याजा की सब्जी थी प्लेट में और रोटियाँ थीं, और आप सोच रहे होंगे साथ में वो बुक मतलब पाउडर क्या था चूरन जैसा, तो मैं आपको बता दूँ वो बुकनू था मेरे मायके की तरफ मतलब मम्मी के घर की तरफ, वहाँ बुकनू बहुत चलता है जब लेडी प्रेगनेंट मतलब आफ्टर डिलीवरी उसको लेडीज़ें खाती हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे बहुत चलता है। तो मेरी मम्मी ने मेरे को दिया था, वो रखा हुआ था, तो हम लोग खाने के साथ थोड़ा थोड़ा बुकनू भी खा लेते हैं।
तो अच्छा होता है इससे, आपका पेट अच्छा होता है, हाजमा अच्छा होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं। वो मेरी मम्मी ने बनाया था, मुझे पता तो नहीं है कैसे बनता है, लेकिन बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग बताइएगा, आप लोग में से कौन कौन जानता है बुकनूंग के बारे में। और यहाँ पीहू देखिए मस्ती कर रही हैं, तो बस। और आज ज़्यादा मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और मैं बाहर फ़ोन लेके नहीं गई थी, चार्जिंग भी नहीं थी फ़ोन में, तो फ़ोन भी छोड़ के गई थी, इसलिए मैं अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन पूरा बीच का तो नहीं दिखा पाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। आगे मैं कभी व्लॉग ऐसा बनाऊंगी तो मैं ज़रूर वो भी रिकॉर्ड करूंगी। वैसे मैं पहले बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरा पहले का व्लॉग भी चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, अपने फेस को वॉश करना रहेगा, मैं फेस वॉश से ही वॉश करूँगी और फिर टोनर लगाऊँगी। और जो मैंने सीरम बनाया था, वो जो फ्लेक्सीड्स वाला सीरम मैंने दिखाया था आजकल, वही मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ। उससे बहुत अच्छी स्किन जो है वो टाइट होती है। अगर स्किन आपकी लूज है, वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। और कुछ नहीं है कल, और अब मैं बनाऊँगी राजमा दोपहर के लंच में, तो मैं राजमा भिगो दूँगी, बस वो मुझे भिगोना है और फिर पीहू को सुलाना है, उनको चेंज वेंज कराएंगे रात में सोने से पहले। तो बस फिर ठीक है, चलिए अब ये व्लॉग मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ आपको एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट।